हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं द लिविंग वर्ड, आज हम उसका फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। मीनिंग क्या है इसका, कैसे इसको मैनेजमेंट करें? तो मीनिंग ये है कि बायोस्फीयर का इस तरह से यूज करना कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज हो पाए जो बायोडाइवर्सिटी है, और इन फ्यूचर मींस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे बायोडाइवर्सिटी, जैसा उनका एक्सपेक्टेशन है, एस्पायरेशंस है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और करंट में भी यूज होता रहे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसी को ही हम इसका मैनेजमेंट कहते हैं बायोडाइवर्सिटी का, या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच ए वे दैट इट मे यील्ड द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट टू प्रेजेंट जनरेशन ओके। ये क्या है कि इस तरह से है कि प्रेजेंट जनरेशन को भी पूरा बेनिफिट मिले उस बायोडाइवर्सिटी का, व्हाइल मेंटेनिंग इट्स पोटेंशियल टू मीट द नीड एंड एस्पायरेशंस ऑफ फ्यूचर जेनरेशन। ठीक है, तो क्या है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच अ वे दैट इट मींस द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट टू द प्रेजेंट जनरेशन, मींस प्रेजेंट जनरेशन को भी बेनिफिट मिले, और फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसको भी प्रॉपर बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी का मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये करें कैसे, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है हमारी, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो यूजफुल एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनका क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो दो तरह से होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। मीनिंग क्या है इनका, इन सीटू मीन्स क्या है, उनकी जो हैबिटेट है जहां वो रहते हैं, मीन्स नेचुरल हैबिटेट, वहीं उनको प्रिजर्व किया जाए उनकी नेचुरल हैबिटेट्स में। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह बना करके, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके, ठीक है, इन सीटू प्रिजर्वेशन, जहां वो एनिमल रहते हैं वहीं प्रिजर्व किया जाए, और एक्स सीटू में क्या है, उनको पर्टिकुलर उनके प्लेस से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके हमें एक्स सीटू प्रिजर्वेशन उनका करने का है। तो इसके लिए बनाए जाते हैं जूलॉजिकल एंड बॉटेनिकल गार्डन्स। जूलॉजिकल मीन्स जहां एनिमल प्रिजर्व करके रखे जाएंगे, एंड बॉटेनिकल गार्डन्स प्लांट्स के लिए, बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, जूलॉजिकल एंड बॉटेनिकल गार्डन्स के थ्रू इनको प्रिजर्व किया जाने वाला। तो फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का, कि प्रोटेक्शन करना है हमको एनिमल्स और प्लांट्स का, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का। सेकंड पॉइंट आता है जो हमें कंसंट्रेट करना है किस पर, हैबिटेट को प्रिजर्व करने का है। तो कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स।
ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है, ज्यादा कंसंट्रेट किस पर करना है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको ज्यादा कंसंट्रेट करने का है हमको, और या वल्नरेबल स्पीसीज हैं उनको ज्यादा कंसंट्रेट करने का है. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रायोरिटी किसको देना है हमको. तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन फॉर कंजर्वेशन टू एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीसीज. जो स्पीसीज खतरे में ज्यादा हैं और इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनका ज्यादा ध्यान देने का है, उनको प्रिजर्वेशन करने का है. नेक्स्ट आता है पॉइंट क्या, जो हंटिंग की जाती है उसको प्रोहिबिट होना चाहिए. हंटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है. फिर और क्या एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, नेशनल पार्क और सेंचुरीज एस्टेब्लिश की जानी चाहिए. तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्या, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जा सके. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 में बनाया था, जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन कर सकें. तो क्या है इसमें सिक्स पॉइंट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज सेट अप इन 1992 टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. ओके, अब क्या है, इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट्स और वर्क्स हो रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो डिस्कस करेंगे इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट्स हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए. तो सबसे पहला जो आता है इसमें, दैट इज IUCN. IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये एस्टेब्लिश किया गया था. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948. कब किया गया था, 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था ये. इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉक्स में है, स्विट्जरलैंड. हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मॉक्स में, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में. इसलिए वर्क क्या वर्क करता है ये, वर्क कोई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए ये वर्क करता है, इंटरनेशनल एजेंसी है. जो सेकेंड एजेंसी आती है, दैट इज WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, ग्लैंड में, जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में. ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1961 में, एस्टेब्लिश्ड इन 1961. ठीक है, जो इसका सिंबल है वो जायंट पांडा है, जायंट पांडा इसका सिंबल है, और इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ इट.
इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. तो जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है ये हुआ है 1969 में. ओके और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में है. 1969 में बॉम्बे था तब, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इंडिया में. नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर है साइट्स, सी आई टी ई एस साइट्स. ये क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज. ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना. ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना. ओके ये कब से इफेक्ट में आया था, इट केम इनटू इफेक्ट इन 1975 में इफेक्ट में आया था. ये जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में. इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी किसे वर्क करता है, सेम है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनको कैसे कंजर्वेशन किया जाए, बचाया कैसे जाए, तो वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट्स को, तो उसी के लिए वर्कआउट करता है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है यूएनईपी. क्या है ये, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. राइट ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972. ठीक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, कीनिया में. नैरोबी कीनिया में है. नेक्स्ट आता है फाइव नंबर बीएसआई, सिक्स नंबर जेडएसआई. क्या क्या है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दूसरा क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कल सर्वे ऑफ इंडिया. राइट ये भी क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब जो बीएसआई है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1890 में, और जो जूलॉजिकल सर्वे है ZSI ये एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, और दोनों का ही हेड ऑफिस कहां पर है, कोलकाता में. दोनों का ही ZSI और BSI दोनों का ही कोलकाता में हेड ऑफिस है. लास्ट BRP, BRP क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और देख लेते हैं, एट नंबर IBWL. ये क्या है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. राइट इसका जो सेटअप किया गया था 1952 में किया गया था सेटअप, लेकिन 2003 में एक एक्ट के थ्रू इसको चेंज कर दिया गया. अभी करंट में जिसका नेम है वो NBWL है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. अभी इसके बेसिकली फंक्शन क्या है, क्या फंक्शंस हैं जो कि IBWL
IBWL जो फंक्शंस प्रमोट करता है या वर्कआउट करता है, तो सबसे मेजर फंक्शन इसका यही है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। क्या है? टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है इसका। सेकंड, टू स्पॉन्सर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स सेंचुरीज एंड गार्डन्स, जो नेशनल गार्डन्स होते हैं, ठीक है, इसको प्रमोट करना है, स्पॉन्सर करना है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए की जा रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे का जो पार्ट है थोड़ा ही रह गया, जल्दी ही हम वी विल कंप्लीट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।